सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के क्रिकेट मैदान पर रविवार से उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच TNM क्रिकेट एकेडमी और TDM क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए TNM क्रिकेट एकेडमी की पूरी टीम 22 ओवर में 89 रन बनाकर आउट हो गई। 90 रन के आसान से लक्ष्य को हासिल करने में TDM क्रिकेट एकेडमी को पसीने छूट गए। आसान से लक्ष्य को हासिल करने में TDM ने 9 विकेट गंवा दिए। टूर्नामेंट का उद्घाटन में TDM क्रिकेट एकेडमी ने 1 विकेट से जीत लिया। बताते चलें कि टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में 3 टीमों को रखा गया है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 25 दिसंबर को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए टूर्नामेंट के आयोजक सौरभ सिंह ने कहा, अरे बहुत बहुत सॉरी भाई, हमें सौरभ सिंह, हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया उज्जवल ट्रॉफी के नाम से। ये आपका यहाँ सेंट एंड्रयूज में आज स्टार्ट हुआ है और करीब 15 मैचेस इसमें चलेंगे और ये आपको ख़त्म होगा 25 तारीख को, 25 दिसंबर को रेलवे NER क्रिकेट ग्राउंड में। इसमें 12 टीमें खेल रही हैं जो डेली सेंट एंड्रयूज और NER में दोनों जगह मैचेस चलेंगे। कुल 15 मैचेस इसमें चलेंगे और सारी टीमों के बीच जो फिर सेमीफाइनल होगा 23rd को और उसमें जो सेलेक्ट होगा वो फिर फाइनल को 25 को खेलेगा उसमें जी।